ग्वालियर के मुसलमानों, हिंदुस्तान में अगर चैलेंजेस का मुकाबला करना है, तालीम की तरफ बढ़ने के सिवा कोई चारा नहीं है। अपनी स्कूलें खोलो, अपनी कॉलेजेस खोलो, अपनी यूनिवर्सिटियां खोलो। मगर मुझे अफसोस है, लोग कहते हैं मुसलमानों के पास पैसा नहीं है। मैं कहता हूँ जितना अल्लाह ने मुसलमानों को दिया उतना किसी के पास नहीं, और देने का जज्बा जितना मुसलमानों के पास है उतना किसी के पास। लेकिन तुम्हारे पैसे कहाँ खर्चा हो रहे? अगरबत्तियों पे खर्चे, लोबान पे खर्चा हो रहे। ये इतने बड़े बड़े मोटे मोटे ये जो है, ये हंसने की बात नहीं है। इससे मन्नानी मियां के मर्तबे में क्या इजाफा किया आपने? इससे अमीनुल कादरी के मर्तबे में क्या इजाफा किया आपने? ये 1000 से कम का नहीं होगा। मुसलमानों की मेहनत की कमाई को आधे मिनट के लिए ये खर्चा करते जलसे वाले। जिस काम की बेटियां सिग्नलों पे भीख मांग रही हो बुर्का पहनकर, उस कौम के पीरों फकीरों को और खतीबों को और उलमा को जेब देता है कि आधे मिनट के लिए किदार का हार पहनकर गले से उतार दे? और पहनाने वालों को शर्म नहीं आती? कौम का पैसा इतना जाया कर रहे हो? यही 1000 रुपए बचा लिए जाते तो ग्वालियर के किसी यतीम बच्चे की स्कूल की फीस भरी जाती। एक गुलाब दे दो या हल्का सा हार, एक काफी है, एक। मैं इसको आधे घंटे तक थोड़ी पहन के बैठूंगा, या मियां साहब थोड़ी पहन के बैठ सकेंगे? कोई शादी करने आए यहां जो घंटों बैठ रहे पहन करके? जब पहनना ही आधा मिनट है, मुझे माफ करना ग्वालियर वालों, अंदर से दिल जला हुआ आदमी कभी जो है वो इस तरह के फूलों को, आपको क्या पता है? मैं ओपन करूं ना बातें तो अपने और अपनी होट और अपने दांत है, तुम्हें पता है सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में अगर किसी की बेटियां लॉजों में किराए पे दी जाती है तो मुसलमान होती है। तो शर्म नहीं आती? और ये क्यों हो रहा है? गुर्बत की वजह से। ये बातें कहने की हिम्मत नहीं है, लोग उसका गलत मतलब लेते हैं। मुसलमानों की बेटियां दूसरों का हाथ पकड़कर गुर्बत की वजह से भाग रही है, और अब लाखों रुपए इन चीजों पे खर्चा कर रहे हैं। कयामत के दिन अल्लाह हमसे नहीं पूछेगा। हजरत महबूब इलाही ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, जब सब लोग लंगर खा जाते और आखिरी में आपके पास खाना लाया जाता, खाना देखकर कहते शायद जमुना के किनारे कोई भूखा फकीर तड़प रहा हो, अगर मैं खा लूंगा तो कयामत के दिन अल्लाह को जवाब क्या दूं? जाओ मेरा खाना किसी भूखे को तलाश करके उसको। ये तसव्वुफ, ये थी सुन्नियत, ये थी विलायत, ये थी खानकाइयत। कहां है हम? रसम रसम रसम, कब तक रस्मों के पीछे भागोगे? निकलो, अल्लाह ने दौलत दिए सही मुकाम पर लगाओ, अल्लाह ने माल दिया है तालीम पे खर्च करो। इमाम अहमद रजा की फिक्र से लोगों को चिढ़ क्यों है पता? इमाम अहमद रजा ये कहते हैं, एक चादर अगर मजार पे चढ़ी हो तो दूसरी डालने की बजाय, नामो नमूद के लिए दूसरी डालने की बजाय, वो चादर तेरे पड़ोस की किसी बेवा के सर पे डाल। हम उसके लिए तैयार ही नहीं, हम उसके लिए राजी ही नहीं। हमें तालीम पे मेहनत करनी, और नहीं किसी की, कम से कम आप अपने लिए ये तय कर लें कि मैं अपने बच्चों को, डॉक्टर बनाओगे तो बीयूएमएस वाले सिर्फ नहीं, सितारों के आगे जहां और भी है, अभी इश्क के इम्तिहान और भी है। तू शाही है, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे तेरे वास्ते आसमां और भी है, तेरे सामने आसमां और भी है। इंजीनियर आला किस्म के, डॉक्टर आला किस्म के, टीचर प्रोफेसर आला किस्म के, इसलिए कि जितना टैलेंट अल्लाह ने मुसलमानों को दिया है उतना किसी को नहीं दिया। आप पूरी तारीख उठा करके पढ़ें, आप देखें अपनी तारीख, अपने माजी को आप देखें, भूले हुए सबक को याद करें।